नीरजा शर्मा को मिला राजाखेड़ा से भाजपा का टिकट। टिकट की घोषणा होते ही जगन भवन पर चले बम पटाके, बांटी मिठाइयां, समर्थकों की उमड़ी भीड़। कई दिनों से चल रही उठापटक एवं कयास के बाद बीजेपी ने लगाई मोहर। राजस्थान विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने धौलपुर जिले की चारों विधानसभा में से दो विधानसभा में तो प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी, जिसमें धौलपुर से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। वहीं बछेड़ी विधानसभा से बीजेपी ने सुखराम कोहली पर अपना भरोसा जताया है, जो कि बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। वहीं धौलपुर जिले की हॉट सीटें माने जाने वाली दो विधानसभा बाड़ी और राजाखेड़ा से शनिवार 4 नवंबर तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया था, जबकि दोनों विधानसभा सीटों के लिए कई उम्मीदवारों ने अपनी अपनी उम्मीदें लेकर नामांकन कर दिए थे, जिसमें राजाखेड़ा विधानसभा से नीरजा अशोक शर्मा ने भी शनिवार को नामांकन दाखिल किया था। उनकी इसी उम्मीद को भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने बरकरार रखा और रविवार को पांचवीं लिस्ट जारी करते हुए राजाखेड़ा से नीरजा अशोक शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। नीरजा अशोक शर्मा को राजाखेड़ा से प्रत्याशी बनने की घोषणा होते ही उनके निज निवास पर बधाई देने के लिए समर्थक और प्रशंसक पहुंचे। साथ ही भाजपा से प्रत्याशी घोषित होने के बाद नीरजा अशोक शर्मा ने बीजेपी हाईकमान का धन्यवाद और आभार जताते हुए राजाखेड़ा की जनता को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि मेरे पति स्वर्गीय अशोक शर्मा द्वारा राजाखेड़ा की जनता के लिए जो सपना देखा गया था वह आधा पूरा हो गया है और आधा राजाखेड़ा क्षेत्र की जनता करेगी। आपको बता दें कि वर्ष 2018 के विधानसभा के चुनाव में राजाखेड़ा विधानसभा से भाजपा के टिकट पर नीरजा शर्मा के पति और दिवंगत कद्दावर नेता अशोक शर्मा चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्हें अच्छे मत मिले थे लेकिन जीत नहीं मिल सकी। नमस्कार, समस्त राजाखेड़ा की जनता को बीजेपी से टिकट मिलने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत और आपके आशीर्वाद के कारण टिकट आई है और मेरे पति का जो इतने समय से वो राजाखेड़ा में घूम घूम कर आप लोगों से आशीर्वाद ले रहे थे, उनका सपना आज आधा पूरा हुआ है। बाकी का पूरा आप सभी लोगों को मिलकर करना है। धन्यवाद। बाड़ी के कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा हुए भाजपा में शामिल। टिकट नहीं मिलने से नाराज थे मलिंगा। जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय पर थमा भाजपा का दामन। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा सीट पिछले कई दिन से हॉट सीट बनी हुई थी। इस सीट को लेकर कभी बाड़ी के कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे थे तो कभी अगली सूची में कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होने के, लेकिन कांग्रेस की 6 सूचियों में भी विधायक मलिंगा का टिकट घोषित नहीं किया गया। इससे नाराज होकर उन्होंने रविवार को कांग्रेस पार्टी छोड़ते हुए जयपुर में भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर भाजपा की सदस्यता ली। मलिंगा को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नारायण पंचारिया, भाजपा प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा ने भाजपा का पट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान बाल कल्याण समिति धौलपुर के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट रवि शर्मा, मुश्ताक रामवरण शर्मा, मांगीलाल शर्मा, दीप सिंह कुशवाहा आदि ने भी मलिंगा के साथ भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान धौलपुर भाजपा के राजा भैया, राजबहादुर मीणा, राहुल ठाकुर सहित धौलपुर के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रात तक मलिंगा को मिल सकती है भाजपा की टिकट। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर रविवार सोमवार रात को भाजपा की ओर से प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की जा सकती है, जिसमें विधायक मलिंगा को बाड़ी से भाजपा का टिकट मिलने की पूरी संभावना है। रविवार शाम को 7:15 खबर लिखने तक भाजपा की ओर से मलिंगा को प्रत्याशी बनाने की विधिवत घोषणा नहीं हुई, लेकिन मलिंगा के भाजपा ज्वाइन करने से ये तय माना जा रहा है कि भाजपा बाड़ी से मलिंगा को अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। और मेरे को इतना तंग किया गया और वही वजह से मेरे को परेशान किया गया, किसी मुकदमा को लेकर ना आई। पहले FIR दी जाती दिन में 1:20 पे, उसमें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट बताई जाती है। मुख्यमंत्री कार्यालय और DGP के यहाँ रिपोर्ट मंगाई जाती है, फ्रैक्चर रिपोर्ट, उसमें कहीं भी मेरा नाम लिया के साथ जनता द्वारा कोई मारपीट गई थी NJN की। उसके बाद में रात को 1:20 पर उसके पर्चा के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया जाता है। अगर मेरे को JN अगर जानते नहीं थे, ऐसी बात तो है नहीं कि एक मेरे को JN या AN जानता नहीं हो, और उसके बाद में 1:20 पर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाता है।
और मैं मुख्यमंत्री जी से कह के कहना परेशान हो गया कि साहब एक बार मेरी जांच तो बदलो, तप्ती चेंज करो। मेरे कहने से भी एक बार तप्ती चेंज नहीं हुई। मेरी सरकार में रहने के बाद मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए। मैं तो इतना इन लोगों ने परेशान किया, टिकट के काजे आपका ये आ रहा है, आपका ये आ रहा है। भाई मेरे को आपको टिकट की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मोदी जी की रीति नीति देख के ना आई, मैं बीजेपी के कार्य से प्रभावित होके ना आई। मैंने फैसला किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूंगा। मुझे मोदी जी पे, अमित शाह जी पे, जेपी नड्डा जी पे, हमारे जो राष्ट्रीय नेता मुझे उनके ऊपर विश्वास है। मैं उनकी रीति नीति को देख के ना आई, मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बीजेपी में ज्वाइन की। धौलपुर में खुला ऊनी कपड़ों का तिब्बती बाजार, जहां मिलेंगे आपको अच्छी क्वालिटी के ऊनी कपड़े सस्ती रेट में। हमारे यहां जैकेट, स्वेटर, जर्सी शॉल, टोपा, मफलर, ब्लेजर, महिलाओं के ब्लेजर, जैकेट, कार्डिगन सहित अन्य तरह के ऊनी कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ऊनी कपड़े भी उपलब्ध, ट्रैक सूट, गर्म जूते, लोअर पाजामा, मोदी स्टाइल की हाफ जैकेट सहित अन्य सभी प्रकार के अच्छी और ब्रांडेड क्वालिटी के ऊनी कपड़े मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें तिब्बती लियासा मार्केट, सरीन पेट्रो पंप के सामने, गुलाब बाग चौराहे के पास, धौलपुर। अब एक ही शोरूम पर मिलेगा बहुत कुछ, हर प्रकार की प्लाई एवं प्लाईवुड, बोर्ड के दरवाजे, सभी प्रकार की माइका लकड़ी जिसमें सागवान, चिड़, कपूर साल सभी साइज में मिलती है, सभी तरह के बाथरूम के दरवाजे, फाइबर, WPC, सिंटेक्स आदि उपलब्ध है। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन बनाई जाती है एवं मॉड्यूलर किचन का सामान मिलता है। घर व दुकान का फर्नीचर, टीवी कैबिनेट, खिड़कियाँ, जाली वाले गेट आदि कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। किचन की चिमनी की विशाल रेंज उपलब्ध, पर्दे का सामान, फाइबर शीट भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे। कृतिका सेल्स, रोशन गार्डन के सामने, गिरिराज कॉलोनी वाली गली के बगल में, राजा खेड़ा बाईपास, धौलपुर। टिकट कटने के बाद मंच से फूट फूट कर रोए विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, बशेड़ी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का लिया फैसला, सोमवार को करेंगे नामांकन दाखिल। धौलपुर जिले के बशेड़ी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा टिकट कटने के बाद अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे, जिसे लेकर वे सोमवार को निर्दलीय नामांकन भरेंगे। चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने सोमवार को देव गार्डन बाड़ी में बशेड़ी एवं सरमथरा ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। इस दौरान मंच से भाषण देते समय विधायक बैरवा भावुक हो गए और रोते हुए उन्होंने बशेड़ी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही। आपको बता दें कि गत दिनों कांग्रेस पार्टी द्वारा विधायक बैरवा का टिकट काटकर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी संजय जाटव को दे दिया गया है। इससे नाराज बैरवा ने गत दिनों SC आयोग अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। विधायक शोभा रानी कुशवाहा सोमवार को करेंगी नामांकन दाखिल, समर्थकों के साथ बाजार में निकाली जाएगी पैदल रैली। धौलपुर विधायक और कांग्रेस की धौलपुर प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा सोमवार को विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इससे पहले वे मेला ग्राउंड धौलपुर में सोमवार प्रातः 9 बजे नामांकन सभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद वे समर्थकों के साथ पैदल रैली निकालेंगी, जो मेला ग्राउंड से वाटर बॉक्स होते हुए हरदेव नगर, जगन चौराहा, सराय गजरा, लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, संतर रोड, बस स्टैंड होते हुए गुलाब बाग चौराहे पर समाप्त होगी। इसके बाद शोभा रानी कुशवाहा कलेक्ट्रेट पहुंचेंगी, जहां रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नमस्कार, मैं शोभा रानी कुशवाहा धौलपुर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी से नामांकन भरने जा रही हूं प्रातः 9 बजे। आप सभी जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में मेला ग्राउंड पहुंचकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। जय हिंद, राम राम।
भाजपा के प्रशांत सिंह परमार हुए कांग्रेस में शामिल। भाजपा हाईकमान पर लगाया कथनी और करनी में अंतर होने का आरोप। विधायक मल्लिंगा के भाई ने भी थामा कांग्रेस का दामन। प्रशांत बोले, भाजपा में कार्य करते हुए इकलौता बेटा तक शहीद हो गया। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा सीट से बीते कई साल से भाजपा का टिकट मांग रहे तथा बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के प्रभारी और सक्रिय पदाधिकारी प्रशांत सिंह परमार रविवार को जयपुर में प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें प्रभारी रंधावा ने कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मल्लिंगा के बड़े भाई गजेंद्र सिंह उर्फ पप्पू ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। फोन पर फास्टैग के साथ हुई बातचीत में प्रशांत सिंह परमार ने कहा कि मैंने मजबूरी में कांग्रेस ज्वाइन की है क्योंकि भाजपा हाईकमान की कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। उन्होंने एक आरोपी को पार्टी में लेकर मेरी सीट को छीन लिया है जिस कारण मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। बात करते हुए प्रशांत ने भावुक अंदाज में कहा कि भाजपा पार्टी के लिए कार्य करते हुए मेरा इकलौता बेटा तक शहीद हो गया। पार्टी हाईकमान स्वच्छ छवि के व्यक्ति को टिकट देने की बात कहता था, अब कहाँ गए वे सिद्धांत। भाजपा ने 21 मुकदमों के आरोपी विधायक मल्लिंगा के ऊपर गंगाजल छिड़ककर पार्टी में ले लिया है। क्या अब वे पवित्र हो गए? मुझे भाजपा ने बाड़ी से टिकट देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब भाजपा ने 21 मुकदमे वाले नेता को ज्वाइनिंग कराई है। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। मुझ पर कांग्रेस हाईकमान बाड़ी से विश्वास जताएगा तो मैं जीत कर आऊंगा। बाड़ी के सभी वर्ग के लोग मेरे साथ हैं। शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से कोठी, धौलपुर। धन्यवाद धौलपुर, आभार धौलपुर। 5 वर्ष में आपने बनाया हमें धौलपुर जिले का सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। सफलता के जश्न को हम कर रहे हैं अपने ग्राहकों के साथ साझा, इसलिए लाए हैं आपके लिए ऑफर। सफलतम 5 वर्ष पूरे होने पर सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर दीपावली तक विशेष छूट। हमारे यहाँ एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, माइक्रोवेव, ओवन आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान उचित कीमत पर मिलता है। सोफा सेट, डबल बेड आदि फर्नीचर भी उपलब्ध। बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। वैल्यू प्लस शोरूम, पता 132 केबी के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। पूर्व विधायक शुक्राम कोहली सोमवार को करेंगे नामांकन दाखिल। समर्थकों के साथ पैदल रैली निकालते हुए पहुंचेंगे एसडीएम कार्यालय। धौलपुर जिले के बरसड़ी विधानसभा के पूर्व विधायक व भाजपा प्रत्याशी सुखराम कोहली सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले क्षेत्र में बयाना रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद समर्थकों के साथ पैदल रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मैं सुखराम कोहली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बरसड़ी विधानसभा से कल सुबह 9 बजे मैं अपना नामांकन दाखिल एसडीएम कार्यालय बछेड़ी में करूँगा। इसलिए सभी मेरे पितातुल्य बुजुर्ग और युवा साथी और मेरी मातृशक्ति से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कार्यालय बछेड़ी, बयाना रोड बछेड़ी, श्रीराम मैरिज होम के पास आप पधार करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। राम राम साहब। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी नसरुद्दीन खान ने भरा नामांकन। आजाद समाज पार्टी कांचीराम के धौलपुर प्रत्याशी नसरुद्दीन खान एडवोकेट ने शनिवार को समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। वे अपने निजी प्रतिष्ठान लोहा फैक्ट्री, जीटी रोड धौलपुर से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। रास्ते में उन्होंने जनसंपर्क भी किया और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान लोगों ने कई जगह माला और छापा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर कन्हैयालाल माथुर, प्रदेश सचिव व संभाग प्रभारी आजाद समाज पार्टी भरतपुर संभाग, राम सिंह इंदौरिया संगठन सचिव राजस्थान, मुकेश व्यास जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी धौलपुर, सुरेश सरदार जिला उपाध्यक्ष धौलपुर, महेंद्र सिंह जिला महासचिव, राहुल सोलंकी युवा संगठन जिला अध्यक्ष,
सोनू सागर, जिला अध्यक्ष स्टूडेंट फेडरेशन आदि लोग उपस्थित रहे। आज मैं नामांकन भरने जा रहा हूँ और अभी सवा एक से लेकर डेढ़ बजे के बीच में मेरा नामांकन है। भारी जन समर्थन मेरे साथ है, लोगों में बहुत उत्साह है और इस उत्साह को देखते हुए और इस रैली को, इस जनसमूह को देखते हुए मैं उम्मीद जताता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को ये जो धौलपुर शहर की जो जनता है, जनार्दन है, जो मेरे पिता को। आरएसी के हैंड कॉन्स्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बाड़ी के रामसागर चेक पोस्ट पर था तैनात। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में सदर थाना क्षेत्र के रामसागर चेक पोस्ट पर तैनात आरएसी के हैंड कॉन्स्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाड़ी सामान अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया, जहां परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक हेड कांस्टेबल मुन्नीलाल उर्फ उत्तम सिंह राजपूत आगरा जिले के शमशाबाद थाना क्षेत्र के मजारा गांव का निवासी था और आरएसी 6 बटालियन धौलपुर में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। घटना को लेकर बाड़ी सदर थाना अधिकारी विजय सिंह छोकर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि रामसागर बांध किनारे लगी पोस्ट पर तैनात आरएसी हेड कांस्टेबल मुन्नीलाल पुत्र उत्तम सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। ऐसे में सूचना पर मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लिया और बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई लाखन सिंह पुत्र उत्तम सिंह राजपूत ने तहरीर रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक हेड कांस्टेबल मुन्नीलाल 4 दिन पहले ही घर से ड्यूटी पर लौटा था। किसी प्रकार का घर में कोई झगड़ा क्लेश नहीं था। अचानक से परिजनों को सूचना मिली कि मुन्नीलाल की मौत हो गई है। इस पर परिजन अस्पताल पहुंचे। मृतक के बड़े भाई लाखन सिंह ने बताया कि मुन्नीलाल के 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटी हेम कुमारी की शादी हो चुकी है। बेटे प्रदीप और कोमल अपना निजी काम करते हैं। हेड कांस्टेबल की उम्र करीब 58 साल बताई जा रही है। मुन्नीलाल सनबोत्तम सिंह, जाति राजपूत, उम्र करीब 58 साल, आरएसी में हेड कांस्टेबल थे। मूल रूप से शमशाबाद थाना क्षेत्र के गांव मझारा, जिला आगरा के निवासी थे। 6 आरएसी धौलपुर कैंप, एक कंपनी कैंप तालाबसाई की पोस्ट रामसागर पर थे। इनकी आज सुबह सूचना मिली थी कि वे संदिग्ध परिस्थितियों में पोस्ट पर डेथ हो गई है। इस पर मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लिया गया। सबको कब्जे में लेकर बाड़ी हॉस्पिटल आए, चेकअप कराने के बाद मृत घोषित कर दिया। मुर्दाघर में सबको रखवाया गया है। मेडिकल बोर्ड से सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतक के भाई लाखन सिंह की तरफ से एक तहरीर पेश की है कि मेरे भाई जो आरएसी में हेड कांस्टेबल थे मुन्नीलाल, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, उसकी जांच की जा रही है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर, कॉर फॉर्म स्लीप वेल, जी कैन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे एयू फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। विद्युत करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। धौलपुर जिले के बसई डांग थाना क्षेत्र के चौकपुरा गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने उसके शव को मोर्चरी में रखवाते हुए पुलिस को सूचना दी। शव को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि युवक सूरज 27 वर्ष पुत्र दीवान सिंह खेतों पर काम करने के लिए गया था, जहां अचानक काम करते वक्त विद्युत करंट की चपेट में आने से अचेत हो गया,
जिसके बाद उसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिले की पूरी निर्वाचन व्यवस्था पर नजर रखेंगे चार पर्यवेक्षक। सर्किट हाउस धौलपुर में है छवि का ठहराव। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2023 में सामान्य व्यवस्थाओं, कानून व्यवस्थाओं, निर्वाचन व्यय पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र धौलपुर एवं राजाखेड़ा के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भोस्कर बिलास संदीपन को सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यालय एवं निवास सर्किट हाउस स्थित कक्ष संख्या 2 को बनाया गया है। इनका लैंडलाइन नंबर 056-2-99-134 एवं मोबाइल नंबर 99-50-48-59-81 है। विधानसभा बाड़ी एवं बछेड़ी के लिए IAS इंदेश्वर कलिता को सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यालय एवं निवास सर्किट हाउस स्थित कक्ष संख्या 1 को बनाया गया है। इनका लैंडलाइन नंबर 056-2-99-195 एवं मोबाइल नंबर 76-65-18-22-97 है। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस पर्यवेक्षक IPS सुनीता बी शांकुले ठाकुर को नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यालय एवं निवास सर्किट हाउस स्थित कक्ष संख्या 3 को बनाया गया है। इनका लैंडलाइन नंबर 056-2-99-135 एवं मोबाइल नंबर 76-65-43-12 है। व्यय पर्यवेक्षक IRS प्रदीप कुमार विश्वास नियुक्त किए गए हैं। व्यय पर्यवेक्षक का कार्यालय सर्किट हाउस स्थित कमरा नंबर 11 में संचालित किया जा रहा है। उनके कार्यालय का नंबर 056-2-99-196 एवं मोबाइल नंबर 72-96-82-64 है। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल का प्रतिनिधि, उम्मीदवार पर्यवेक्षक से संपर्क कर सकते हैं। खेत में बुवाई करने जा रहे युवक पर की फायरिंग, छर्रे लगने से हुआ घायल। धौलपुर जिले के जनकपुर गांव की घटना। धौलपुर जिले के बसीडांग थाना क्षेत्र के जनकपुर गांव में खेत में जाने के लिए रास्ता रोकने को लेकर फायरिंग हो गई। फायरिंग में खेत की बुवाई करने जा रहे युवक की आंख के पास छर्रे लग गए। छर्रे लगने से घायल हुए युवक को मौके पर छोड़कर आरोपी भाग निकले, जिसे परिजनों की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर घायल के भाई द्वारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे में पीड़ित के भाई एदल पुत्र रणवीर ने बताया कि उसका भाई बंटी उर्फ हरपाल खेतों में सरसों की बुवाई करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान गांव के ही सुरेंद्र पक्ष के आधा दर्जन लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि खेत में बुवाई की मना करने को लेकर सुरेंद्र पक्ष के लोगों ने फायरिंग कर दी, जिस फायरिंग में युवक की आंख के पास छर्रे लगे हैं। घायल के भाई द्वारा दी गई तहरी पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद आरोपी पक्ष फरार है। फायरिंग में घायल हुए युवक का जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज चल रहा है। वहाँ हम खेती हेड कर नहीं रहे थे, पुराना विवाद था। उसने जाकर अचानक हमला कर दिया था, उसने डायरेक्ट गोली मारी थी। वो सुरेंद्र था, 6-7 लड़के थे उसके साथ, लेके फिर चम्बल पार भागे पल्ली तरफ। गणेश महोत्सव से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। मोबाइल फोन खरीदने पर स्मार्ट वॉच, टी शर्ट, ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर एवं चार्जर फ्री। धौलपुर जिले में पहली बार सबसे बड़ा ऑफर। आसान किस्तों में मोबाइल खरीदने पर भी मिलेगा ऑफर का लाभ। कोई ब्याज नहीं, कोई फाइल चार्ज नहीं, केवल आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लाएं और फोन ले जाएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 500 ग्राहकों के लिए ऑफर। इसीलिए देर ना करें, जल्दी पहुंचे। जेट टेली कम्युनिकेशन, हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। पता PNB ATM के बगल में, तोप तिराहे के पास, संतर रोड, धौलपुर। वाटर स्टोरेज के लिए हर घर की जरूरत है सही वाटर टैंक, तो पेश है वाटर वीक टैंक, जो पानी को रखे हेल्दी एंड सेफ। मल्टी प्रोसेसर सख्त क्वालिटी चेक के बाद तैयार होता वाटर वीर टैंक। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा मजबूती, एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ, जो बदलते मौसम में भी रहे अडिग और दमदार, ज्यादा गर्मी में सहनशील, प्रदूषण का भी जिस पर ना पड़े कोई असर, साथ में जर्म्स, बैक्टीरिया और फंगस फ्री। इसका बेहद लचीलापन टैंक की मजबूती रखे सालों तक बरकरार। इसकी बाहरी परत टैंक और टैंक के पानी को यूवी रेस से बचाए, जिससे आपको मिले एकदम शुद्ध और स्वच्छ पानी।
और आप रहे कई बीमारियों से दूर। कॉल 7976947914 या 8696382959 पर। वाटर वी टैंक, एवरी ड्रॉप काउंट्स। होम वोटिंग के समय गोपनीयता का रखें ध्यान। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल। धौलपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों पर दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित की जाने वाली होम वोटिंग के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी एवं माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने समस्त संभागियों को होम वोटिंग के लिए ECI द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने एवं मतदान में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन करने को कहा। उन्होंने वोटिंग कंपार्टमेंट में गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया। प्रशिक्षण में पोलिंग पार्टी को दिए जाने वाले प्रपत्रों की जानकारी देते हुए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा तैयार की गई अनुपस्थित मतदाताओं की वोटर लिस्ट और मतदाता रजिस्टर के लिए दिया जाने वाला प्रपत्र, पोस्टर बैलेट के लिए जारी किए जाने वाले 13 क, ख, ग और घ प्रपत्रों और लिफाफों पर बारीकी से जानकारी देते हुए वोटिंग कंपार्टमेंट को तैयार करने के लिए प्रशिक्षक द्वारा सजीव डेमो प्रस्तुत किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बालकृष्ण तिवारी द्वारा मतदाता को सहूलियत प्रदान करने के लिए आवश्यक सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई तथा सेक्टर अधिकारियों द्वारा पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने के बारे में बताया। प्रशिक्षण में उपस्थित पीठासीन अधिकारियों को मतदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए पहचान पत्र एवं मतदाताओं को दिए जाने वाले बैलेट पेपर के क्रमांक को दर्ज करने तथा मतदाता द्वारा भरे गए घोषणा पत्र को प्रमाणित करने की जानकारी प्रदान की गई। माइक्रो ऑब्जर्वर द्वारा मतदान प्रक्रिया को पर्यवेक्षित करते समय मतपत्र और घोषणा पत्र रखे गए बड़े लिफाफे को सील करने, मतपत्र को निर्धारित लिफाफा 13 ख में रखे जाने, वीडियोग्राफर द्वारा की जाने वाली वीडियोग्राफी एवं मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों को अपनी रिपोर्ट में अंकित करने के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण में नोडल अधिकारी प्रशिक्षक सुदर्शन सिंह तोमर ने मतदाता द्वारा अपने पहचान के लिए प्रस्तुत किए गए विभिन्न दस्तावेजों में चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत दस्तावेजों के बारे में मतदान दलों को जानकारी देते हुए रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा तैयार रूट चार्ट के अनुसार ही मतदान दलों को मतदाता तक पहुंचने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण जिला स्तरीय चुनाव प्रशिक्षक अतुल चौहान द्वारा दिया गया। पुलिस और सेना के जवानों ने भयमुक्त मतदान का दिया संदेश। आंगई थाना क्षेत्र में किया पैदल फ्लैग मार्च। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में धौलपुर जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पुलिस व अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी द्वारा प्रतिदिन फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। साथ ही आमजन से भयमुक्त होकर मतदान का संदेश दिया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को आंगई थाना पुलिस ने सेना के जवानों के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। आंगई थाना प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि थाना इलाके के कस्बा आंगई, जोरखड़ी, पिपरेट, रेरई, सुनकई में फ्लैग मार्च करते हुए लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दिया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों से संवाद भी किया और सी विजिल ऐप के बारे में जानकारी दी। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।